हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आपका सभी का स्वागत है। आज की वीडियो जो हम लेकर आए हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो राजस्थान का एग्जाम देने वाले हैं जुडिशरी का। आपको पता ही होगा कि वहां पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 जो एक्ट है उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को वो एमसीक्यूज नहीं मिल पाते हैं या इतना टाइम नहीं मिल पाता कि पूरे के पूरे एक्ट को पढ़ पाए, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। प्लस उनके लिए जिन्हें एमसीक्यूज नहीं मिल पाए या उन्होंने एक्ट तो पढ़ लिया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाई है एमसीक्यूज की, तो बहुत कम टाइम में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 कब से प्रवर्तन में है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कहलाते हैं, क्योंकि बेरक के पहले पेज पर ही ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और कई बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेंगे कि इसके ऑप्शंस हैं, पहला 6 जून 1950, दूसरा 6 जून 1951, या सी ऑप्शन है 6 जून 1952, लास्ट ऑप्शन है 6 जून 2007। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 6 जून 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक औषधि द्रव्य जिसको हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स कहते हैं से अभिप्रेत है, अर्थात मादक औषधि द्रव्य में क्या क्या चीजें आ सकती हैं या किसको कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, पहला चरस, दूसरा हेम्प पौधे की पत्तियां, सी गांजा, या डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचमई से क्या अभिप्रेत है। इसके ऑप्शंस हैं, खमीरित चावल, मिलेट, सी ऑप्शन है अन्य अनाज, या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को शराब, चाहे वो देसी शराब हो या विदेशी शराब हो, कौन घोषित कर सकता है कि वो शराब है। इसके ऑप्शंस हैं, केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी ए एवं बी दोनों, या डी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। देखिए, अधिकार जो है वो राज्य सरकार को मिला हुआ है कि वो किसी पदार्थ को शराब घोषित करे या ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा बिक्री की सीमा निर्धारित कर सकता या सकती है, कौन निर्धारित करता है खुदरा बिक्री की सीमा। इसके ऑप्शंस हैं, राज्य सरकार, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी आबकारी आयुक्त, या डी ए एवं सी दोनों। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी विभाग किसके नियंत्रण में होता है। पहला राज्य सरकार के, दूसरा ऑप्शन है आबकारी आयुक्त के, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त में, या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार अपनी शक्तियों को किसे प्रत्यायोजित कर सकती है। देखिए, प्रत्यायोजित बोलते हैं डेलीगेट करना, अपनी पावर किसी को दे देना। तो राज्य सरकार किसको प्रत्यायोजित कर सकती है। इसके ऑप्शन है, आबकारी आयुक्त को, बी जिला मजिस्ट्रेट को, सी ए एवं बी को, या डी ना तो ए को ना बी को। इसका उत्तर है उत्तर ए, आबकारी आयुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अधिकतर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जल्दी के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि सत्य कथन पूछा गया है या सत्य कथन पूछा नहीं गया है। वो अक्सर इस नहीं को मिस कर देते हैं, अक्सर ऐसा होता है, देखा गया है कि वो जल्दी में ये कर आ जाते हैं और उनको लगता है पहला दूसरा ऑप्शन उनके हिसाब से सही है, मार्क कर देते हैं और वो गलती होती है। तो देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और तब आप क्वेश्चन को समझने के बाद जवाब दीजिए। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन हैं, पहला है
राज्य सरकार अपनी सभी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है, बी राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति के सिवाय अपनी सभी शक्तियों का प्रत्यायोजन आबकारी आयुक्त को कर सकती है, सी ऑप्शन है राज्य सरकार आबकारी आयुक्त को भी अपनी शक्तियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है, या डी ऑप्शन है आबकारी विभाग के प्रशासन का नियंत्रण राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त में निहित होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार अपनी सभी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। यह सत्य कथन नहीं है, मैं आपको बता दूं यह सत्य कथन नहीं है, हमें बताना था, तो इसका ऑप्शन ए इस हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील, जो प्रथम अपील होगी, किसे होगी? पहला आबकारी आयुक्त को, दूसरा उच्च न्यायालय को, तीसरा जिला न्यायालय, या चौथा है कर बोर्ड को? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आबकारी आयुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी आयुक्त के द्वारा अपील में पारित आदेश से अन्यथा किसी आदेश की अपील होगी? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान कर बोर्ड की खंडपीठ को, बी राज्य सरकार को, सी ए या बी को, डी कोई अपील नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है कि आबकारी आयुक्त के द्वारा अपील में पारित आदेश की अगर कोई अपील गई थी आबकारी आयुक्त के पास और उस अपील में कोई आदेश पारित किया गया है, उसके अलावा किसी आदेश की अपील होगी? क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा टेक्निकल है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान कर बोर्ड की खंडपीठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत अपील एवं पुनरीक्षण का प्रावधान है, जिसे निगरानी कहा गया है? कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चंस में पुनरीक्षण की जगह निगरानी भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि सिर्फ वहां पर निगरानी वर्ड यूज किया गया है, तो बात पुनरीक्षण की जा रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके ऑप्शन है धारा 9, धारा 9 के, धारा 9 ख या धारा 15। इसका उत्तर है उत्तर बी, धारा 9 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी आयुक्त या राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील में पारित आदेश की होगी क्या होगी? पहला ऑप्शन है अपील, बी पुनरीक्षण, सी रिट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उत्तर बी, पुनरीक्षण, कि ऐसे जो आदेश के होता है उसके पुनरीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील ग्रहण नहीं की जा सकेगी जब मांग की रकम के समुदाय का सबूत पेश नहीं कर दिया जाता। तो ऐसा जो मांग के समुदाय का सबूत है वो कितने परसेंट के होता है, रकम के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, या डी 30%। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। देखिए असत्य कथन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि पूछा क्या गया है, कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, आबकारी आयुक्त के आदेश की अपील नहीं होगी, बी आबकारी अधिकारी के आदेश की अपील की जा सकेगी, सी आबकारी आयुक्त का आदेश अंतिम होता है, या डी राजस्व कर बोर्ड का अपील में पारित आदेश पुनरीक्षण के परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात आबकारी आयुक्त का आदेश अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। देखिए असत्य कथन बताना है क्या है, कि आबकारी आयुक्त जांच चौकियों, जिन्हें चेक पोस्ट कहा जाता है, की स्थापना का निर्देश दे सकेगा। दूसरा, राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करके आबकारी योग्य वस्तु का आयात किया जा सकेगा। सी, आबकारी वस्तु का निर्यात निर्धारित शुल्क अदा करके और अधिरोपित शर्तों को पूरा करने के पश्चात किया जा सकेगा। या डी है, आयात निर्यात के लिए पास किसी आबकारी अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात
आयात निर्यात के लिए पास किसी आबकारी अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के अंतर्गत आयात निर्यात और परिवहन के लिए पास दिए जाने का प्रावधान है। देखिए पास की बात की जा रही है, पास इस चीज को समझेंगे कि जो पास होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो प्रावधान है वो कौन सी धारा के अंतर्गत है? इसके ऑप्शन है धारा 13, धारा 15, धारा 16 या ऑप्शन डी धारा 17। इसका उत्तर है उत्तर बी धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, सीधे डायरेक्ट सेक्शन से पूछे गए हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है। इसका ऑप्शन है आसवनी और भंडागारों की स्थापना और अनुज्ञप्ति लाइसेंस को बोलते हैं, धारा 17 में दिया गया है। आयात निर्यात के लिए पास आवश्यक, धारा 14। आयात निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति दिया जाना, धारा 15। डी अनुज्ञप्ति के बिना विहित मात्रा से अधिक आबकारी वस्तु को कब्जे में न रखने पर रोक, धारा 19। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अनुज्ञप्ति के बिना विहित मात्रा से अधिक आबकारी वस्तु को कब्जे में रखने पर रोक, धारा 19। यह युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के किस धारा में प्रावधान है कि बिना अनुज्ञप्ति के किसी आबकारी योग्य वस्तु का विक्रय नहीं किया जा सकेगा? यह प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 20, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 22 या ऑप्शन डी धारा 23। इसका उत्तर है उत्तर ए धारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी आयुक्त देशी या विदेशी शराब के विनिर्माण और विक्रय के लिए अनन्य विशेषाधिकार दे सकता है। इसके ऑप्शन है धारा 24 के अधीन, बी धारा 25 के अधीन, सी धारा 26 के अधीन या डी धारा 27 के अधीन। इसका उत्तर है उत्तर ए धारा 24 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने विशेषाधिकार पट्टे पर दे सकेगा, समनुदेशन कर सकेगा, ए एवं बी या तो ए या बी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए एवं बी, अर्थात जो अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है वो अपने विशेषाधिकार को पट्टे पर भी दे सकता है और उनका समनुदेशन भी कर सकेगा, इतनी उसके पास पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी योग्य वस्तु पर शुल्क का निर्धारण किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, आबकारी आयुक्त द्वारा या डी बी या सी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा। देखिए आपको पता ही होगा हम राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 पढ़ रहे हैं, तो जब राजस्थान आबकारी अधिनियम राजस्थान के स्पेसिफिक राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जब हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी जो पावर होगी वो राजस्थान सरकार के पास ही होगी। जनरली यही देखा जाता है कि कोई भी लोकल एक्ट की जो पावर होती है वहीं की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध बकाया कोई शुल्क, फीस या अन्य मांग की रकम साधारण संदाय करने में असफल रहने पर उसके द्वारा ब्याज देय होगा, कैसे होगा? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, दूसरा 1% प्रतिमाह, 3% प्रतिमाह या 5% प्रतिवर्ष। इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो राज्य सरकार अधिसूचित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी आयुक्त को संदेह ब्याज की रकम कम या अधित्यक्त करने की शक्ति अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? अधित्यक्त होता है छोड़ देने की जो पावर है होती है आबकारी आयुक्त को, ब्याज के ऊपर की रकम की बात की जा रही है कि उसको चाहे तो छोड़ सकता है, ऐसा कौन सी जो धारा है उसके अंतर्गत दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन है धारा 30, धारा 30 का, धारा 30 का या डी ऑप्शन है धारा 32 का। इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत अनुज्ञप्ति को रद्द और निलंबित किया जा सकता है?
देखिए अनुज्ञप्ति को रद्द और निलंबन के बारे में जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में दिया गया है? इसके ऑप्शन है धारा 32, धारा 33, धारा 34 या धारा 35। इसका उत्तर है उत्तर सी, धारा 34। ये प्रावधान जो है धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज्ञप्ति किस आधार पर रद्द और निलंबित की जा सकेगी? इसके ऑप्शन है अनुज्ञापन प्राधिकारों की अनुज्ञा के बिना धारक द्वारा अनुज्ञप्ति का अंतरण। देखिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस को बोलते हैं, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, कभी कभी ज्यादा हिंदी जो है वो टफ हो जाती है, तो लाइसेंस एक इजी वर्ड है, मतलब हमारे कम्युनिटी को एक्सेप्ट किए हुए हमारी सोसाइटी को। दूसरा है धारक द्वारा निर्धारित शुल्क अदा ना करने पर। तीसरा है धारक द्वारा संज्ञेय और यजमानती अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर, या जो डी ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उत्तर डी, उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी ये जितने भी आधार दे रखे हैं इनके आधार पर अनुज्ञप्ति को, लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है और उसको निलंबित भी किया जा सकता है। ठीक, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप किस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज चाहते हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध ना हो, या प्रैक्टिस करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यूज चाहिए। अगर पॉसिबल होगा तो हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए हो या हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।